एडम स्मिथ द्वारा एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में आई थी। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, इसलिए ये कहा भी जाता है कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को संज्ञा देने वाले कौन है, तो ये एडम स्मिथ है। और दूसरी बात की अर्थशास्त्र को आगे चल के तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र, और दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित है, जैसे कि ये दोनों को ऐड किया जाता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक अर्थव्यवस्था होता है जिसमें जैसे कि कोई भी चीज़ उत्पादन करना या उसे बेचना या उसका कीमत लगाना, इसका पूरा जो अधिकार होता है वो बाजार के हाथों में होता है, इस पर राज्य अपना कोई भी फैसला नहीं देगा, कुछ भी नहीं कर सकता। और एडम स्मिथ के पुस्तक में इसका उदय हुआ था। और राज्य अर्थव्यवस्था है कि इसमें जो भी चीज़ उत्पादन वगैरह होगा या फिर उसका कीमत वगैरह होगा, इसमें राज्य सरकार करेगी, इसमें बाजार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और इसका सिद्धांत सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था, और इसका मतलब सबसे पहले उदय बोल्शेविक क्रांति जो थी 1917 की उसमें हुआ था, उसके बाद इसे चीन में भी अपनाया गया 1949 में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि जैसे राज्य अर्थव्यवस्था है और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, दोनों को एक तरीके से मतलब दोनों को मिश्रित रूप से यूज़ किया जाता है। और वर्तमान में ये जैसे भारत में है, मंगोलिया में है, इंडोनेशिया में है, और सबसे पहले इसे फ्रांस में लागू किया गया था। और फिर आगे चल के मतलब एक कथन है जॉन मेनार्ड कीन्स का कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। और इसी के मतलब एंटी में और अगेंस्ट में भी एक और कथन है जो कि इनका है प्रोफेसर लॉन्च का है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। और यही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आगे चल के नोबेल पुरस्कार भी दिया गया जो कि 1969 से शुरू हुआ था। और भारतीय मूल के दो व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया अभी तक, एक थे अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में दिया गया है, और एक और है जो कि अभिजीत बनर्जी है, इन्हें 2019 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार को नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा गया। खैर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी,